चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने पहला चैप्टर देख लिया था संख्या पद्धति का। तो आज हम देखने वाले हैं जो सैट एग्जाम्स में आपका दूसरा चैप्टर आ रहा है, जो है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद समझने के लिए पहले हमें बहुपद होता क्या है वो पता होना जरूरी है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद, देखो पहले तो ये जो चैप्टर है आपका बीजगणित का चैप्टर है ना, बीजगणित में आता है आपका ये। हेलो मैम, यस हेलो, बेटा, बोलो, बोल रही मैं पेरेंट बोलिए, क्या प्रॉब्लम हूँ। है? मैम यस बेटा, बोलो, क्या प्रॉब्लम है? आपकी आवाज आ रही है मैम, मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका बीजगणित का है। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा बीजीय व्यंजक है जो एक से ज्यादा पदों से मिलके बना है। एक या एक से ज्यादा पदों से जो मिलके बना हुआ बीजीय व्यंजक है उसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब पद क्या होते हैं ये समझ लो। पद क्या होते हैं? जैसे कि मैंने लिखा 2 + 3, 2 + 3, तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कितने पद हैं टर्म्स है, तो आप क्या बोलोगे? दो है। एक पद है दो और दूसरा पद है तीन। ठीक है, तो पद समझ में आ गए। कैसे पता करते हैं पद? तो बीच में निशान है ना, ये प्लस माइनस का, ये हमेशा पदों को दर्शाता है, मतलब दो पदों को अलग करता है। अगर मैं इसी के आगे एक और संख्या लिख देती -4, तो आप क्या बोलते हैं? आप यहाँ पे अब तीन पद है। कितने पद हो जाते हैं? तीन पद हो जाते। क्लियर हो गया? पद कैसे पहचानोगे? दो पद है, तीन पद है, चार पद है। ठीक मैम, एक है, बार फिर से समझा दो। मैंने आपसे बोला कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3 - 4, यहाँ पे कितने पद आपको नजर आ रहे हैं? बेटा तीन है ना, पहला पद दो है, दूसरा पद तीन है, तीसरा पद चार है। तो बीच में जो निशान दिख रहे हैं ना प्लस और माइनस के, ये पदों को यस अलग मैम, करते हैं। ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, 2 और 3 के तो दो पद है, फिर बाद में एक और माइनस लग गया तो तीन पद हमारे बन गए। ठीक है, यस मैम। चले, तो पद हमने समझ लिए। इसके बाद हमारा आता है चर। क्या होता है चर? क्या होता है? देखो बहुपद में, ठीक है, बहुपद में या जो आपका बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक में लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x + 1, 2x + 1 मैंने लिखा। अब मुझे इसमें देखना है इसमें चर क्या है। चर वो होता है जिसका मान आपको नहीं पता। जैसे यहाँ पे x है, आपको x का मान पता है, यहाँ पे नहीं पता ना, तो चर का आपको कभी भी मान नहीं पता होता। ठीक है, वो x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है इंग्लिश का। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देती y + 1, तो यहाँ पे जो चर होता वो y हो जाता। ठीक है, जो अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं उन्हीं को हम चर बोलते हैं, और चर का जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता, वो बदलते रहता है। सभी को क्लियर हो गया इतना? मैम ठीक है, गुड। चर के बाद हमारा अगला आता है अचर। क्या होता है? देखो अचर ऐसा वैल्यू है जिसका मान आपको पता है। जैसे वन, वन यहाँ पे अचर पद है। वन का मतलब बेटा वन ही होगा ना, वन का मतलब टू थोड़ी ना हो जाए। जिसका मान एकदम फिक्स है उसी को हम अचर पद कहते हैं। जैसे 0, -2, -4, कोई भी संख्या हो, गणित की जितनी भी संख्या या अंक होते हैं वो सारे के सारे हमारे अचर पदों में आते हैं। क्लियर? मैम, चर वो होता है जिसका मान हमें पता होता है। हाँ, जिसका मान हमें पता होता है वही अचर पद होता है। इसके बाद हमारा आता है अब चर भी। बेटा ऐसा नहीं है ना कि एक ही चर वाला बहुपद हो, एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं ना। अब बहुपद होता क्या है, कैसे पहचाने वो भी बताऊंगी। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, दो व्यंजक में लिख रही हूँ यहाँ पे, एक 2x + 1 है, दूसरा है दूसरा है x² + y² + 2xy। ठीक है, ये मैंने लिखा, दोनों के दोनों बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही चर है जो कि है x,
यहाँ पे बेटा कितने चर है? दो चर है, एक चर है एक्स और दूसरा चर क्या है वाई। यहाँ आपको दो चर नजर आ रहे हैं ना। जो हमारा चैप्टर है वहां पे हम अभी फिलहाल एक ही चर वाले बहुपद को पढ़ेंगे जिसमें एक ही चर होता है, दो चर वाले हम नहीं देखेंगे। इतना क्लियर है? चर दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी हम बहुपद में एक ही चर वाला बहुपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कि हम बहुपद पहचानेंगे कैसे। तो मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ कि बहुपद कैसे पहचानते हैं या कौन सा द्विजीय व्यंजक हमेशा बहुपद होगा। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, अब मेरे को ये पहचानना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो कैसे पहचानूंगी मैं? मेरे को जो चर है ना उसकी घात देखनी है। चर की घात देखो, चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर घात में पूर्ण संख्या है तो बहुपद हो जाएगा। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का देखो, एक्स की घात क्या है बेटा? यहाँ पे इस वाले में, पहले वाले में दो है, दो। इस वाले में एक्स की घात कितनी है बेटा? वन है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां वन मानते हैं। इस वाले में एक्स की घात एक है ना। अब मुझे बताओ दो और एक दोनों ही पूर्ण संख्या होती है? दो और एक दोनों ही पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या बोलोगे कि ये दिया गया बहुपद है, दिया गया द्विजीय व्यंजक एक बहुपद है। क्लियर है? रमन के नाम से जो बच्चा, बेटा बार बार हैंड रेज क्यों कर रहे हो आप? हैंड रेज कोई नहीं करेगा, जो भी डाउट है चैट सेक्शन में लिखो या बोल के बताओ, हैंड रेज नहीं करना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे है ये बहुपद? ठीक है, इसको उतार लो फिर अगले वाले बहुपद पे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैम उतार लिया। ठीक है, मैम अभी मत रखो ना, नोट डाउन कर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो ना, नोट डाउन बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी हो जाएगा। चलिए। यस मैम, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ही लेना। चलो बी देखते हैं आप, एक और मैं बीजी व्यंजक लिख रही हूँ आपके सामने और उसको चेक करते हैं वो है या नहीं। y प्लस वन अपॉन वाई प्लस एक बटे वाई, इसको चेक करते हैं। देखो मैम एक बार दोबारा लिख दो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। जल्दी से ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। मैम हो गया? मैम रुको बेटा, क्या कर रहे हो? इतना टाइम छोड़ना लगता है स्क्रीनशॉट लेने में? मैम इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ मतलब टाइम लगेगा ना उतारने में, तो बेटर है स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ले लिया। ठीक है, अब मैंने दूसरा बीजीय व्यंजक लिखा y प्लस वन अपॉन वाई। अब इसको चेक करते हैं, इसकी घात चेक करो। इस वाले y की घात तो एक है, ठीक है, एक हमारी पूर्ण संख्या है। अब इस वाले को मैंने चेक किया, y यहाँ पे नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे ये बन जाएगा y प्लस y की घात माइनस वन। ठीक है, जब ऊपर लेके जाते हैं जो घात है वो माइनस में हो जाती है, वन है तो माइनस वन हो जाएगी, ठीक है, टू होता तो माइनस टू हो जाती है। अब मुझे बताओ जब इसकी घात माइनस का एक है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? माइनस का एक पूर्ण संख्या है, माइनस का एक? यस, नहीं है। तो
तो इसलिए ये बीजी व्यंजक नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसलिए ये बीजी व्यंजक नहीं। यस मैम। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अगला पर्द यस मैम ले लिया। ठीक है, सी वाले पे आते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। एक्स की घात माइनस का तीन प्लस एक्स की घात दो प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब इसकी घात चेक करते हैं। सबसे पहले इस वाले एक्स की घात है माइनस का तीन, यहीं पे हमने देख लिया माइनस का तीन एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हर चर की घात देखनी है। ठीक है, कहीं पे अगर एक की भी घात पूर्ण संख्या नहीं आती तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं है। ठीक है, चलिए आखिरी वाला हम देखते हैं। आखिरी वाला है डी। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, तीन वर्गमूल एक्स प्लस दो, ठीक है, आप इसको चेक करते हैं। देखो वर्गमूल एक्स, इस वर्गमूल को हटाओगे तो बेटा इस वर्गमूल का मतलब ही होता है एक्स की घात एक बटे दो। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस वर्गमूल का मतलब ही होता है किसी भी संख्या का घात एक बटे दो। आप फिर से बताओ, क्या एक बटे दो एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है नहीं, है ना? तो इसलिए ये वाला भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम, एक बार फिर से बता, जब आप वर्गमूल हटाओगे तो घात में एक बटे दो आएगा, वर्गमूल का मतलब ही घात एक बटे दो होती है, तो एक बटे दो एक हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, यस मैम, कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो मैम। यस बेटा बोलो। बोलिए। आप क्या क्या रही बेटा? अभी मैं बोल ही नहीं रही हूँ, अब आ रही होगी। चलो अगला टॉपिक है हमारा गुणांक क्या होता है। गुणांक, ठीक है, गुणांक क्या होगा? मैंने एक बहुपद लिख दिया फिर से, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, ठीक है, एक बहुपद है ये। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। गुणांक क्या होता है? किसी भी चर के आगे वाली संख्या उसी का गुणांक कहलाती है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? 2, तो ये इसका इसका गुणांक हो जाएगा। उसी तरह एक्स का गुणांक मैं पूछती, एक्स का गुणांक एक्स के आगे क्या लिखा है? माइनस का 4, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, देखो तीन किस संख्या का, किस चर का गुणांक है? तीन को आप तीन गुणा एक्स की घात शून्य लिखोगे। तीन को आप तीन गुणा एक्स की घात शून्य लिख सकते हो, क्योंकि एक्स की घात शून्य का मतलब होता है 1। बताइए, मैंने इसको एक चर के रूप में हाँ लिख दिया ना, तीन गुणा एक्स की घात शून्य। तो अगर मैं यहाँ पे बोलू एक्स की घात शून्य का गुणांक क्या है, आप बोलोगे 3 है। क्लियर है गुणांक मतलब क्या होता है? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ सभी बच्चे। ठीक है, चलिए
चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। यस मैम। तो मैं एक लिख रही हूं, सबसे पहले बहुपद, आपको इसका गुणांक बताना है, आपको एक्स क्यूब का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है और एक्स का बताना है। तो मैं कॉम्बिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे ऑप्शन वाइज। मैम गुणांक बताना। हाँ बेटा, मैम पोल सेक्शन में। हाँ पोल सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे आंसर। मैम करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा पोल सेक्शन में करना है। मैम कर दिया। वेरी गुड। वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर कर दिया। इसमें सबकी सही है। नहीं बेटा, 15 में से 8 बच्चों का ठीक है। यस मैम। यस वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे करो जल्दी जल्दी आंसर। बढ़िया। मैम कितने बच्चों का आंसर आ गया? 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए जिन बच्चों ने पोल में नहीं किया ना, सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। करो जल्दी से जिन्होंने पोल में नहीं किया। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा एक्स क्यूब के आगे कोई संख्या नहीं है, जहां कोई संख्या नहीं होती वहां वन मानते हैं। तो मतलब एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो वन होगा। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? टू। और टू के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का टू। एक्स के आगे क्या लिखा है? फोर। तो एक्स का गुणांक होगा फोर। वन माइनस टू एंड फोर, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखो किसी भी चर के आगे जब कोई संख्या नहीं लिखी होती तो वहां पे वन ही होता है, तो इसलिए हमने एक्स क्यूब का वन माना। क्लियर? यस मैम। ठीक है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला मैम एक बार फिर से समझा दो क्वेश्चन, अगला टॉपिक करते हैं। मैम एक बार फिर से समझा दो क्वेश्चन। बेटा मैंने आपसे बोला एक्स क्यूब के आगे कोई संख्या नहीं है तो वन मानोगे। एक्स जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती वहां वन होता है, एक्स क्यूब का वन हो गया। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है आप देखो ना, माइनस का टू लिखा है ना, तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा।
x के आगे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो x का 4 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद, ठीक है, तो मैं एक बहुपद आपके सामने लिख रही हूँ x प्लस वन। एक बहुपद लिख दिया आपके सामने मैंने, x प्लस वन मैंने लिख दिया। देखो आपको ना घात चेक करनी है चर की। चर की सबसे बड़ी घात देखो, देखो यहाँ पे चर क्या है, x, x की घात क्या है वन, x की घात क्या है वन, है ना? Yes, तो जहां पे किसी भी चर की जो सबसे बड़ी घात हो वो एक हो, तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। वन होनी चाहिए, बस वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे y माइनस टू, ये भी एक रैखिक बहुपद है। 3x, ये भी एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। बस वन होनी चाहिए घात, वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा रैखिक बहुपद के बाद आता है, रैखिक बहुपद के बाद आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती, यस बेटा, कुछ नहीं मैम, ठीक है। द्विघाती बहुपद का मतलब एक बहुपद लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो आपको क्या देखना है, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। देखो यहाँ पे 2 सबसे बड़ी घात है ना, सबसे बड़ी घात क्या है, 2, 2 से ज्यादा कोई घात नजर आ रही है आपको? नहीं, नो मैम। तो इसलिए इस बहुपद का नाम क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। क्लियर है? देखो वन भी है, वन भी है x की घात, लेकिन मुझे सबसे बड़ी घात देखनी है। क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, बढ़िया। लास्ट है हमारा त्रिघाती बहुपद। हम जिसमें सबसे बड़ी घात पता चल रहा है ना, अगर मैं लिख दूं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है ना, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस तरीके के बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। यस मैम, ले लिया। चलिए ठीक है। अब हमारे बेटा और भी बहुपद होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 2 एक बहुपद है, 2 क्या एक बहुपद है या नहीं, चैट सेक्शन में y या n टाइप करो। यस मैम, क्या 2 बहुपद है? यस मैम है। वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने, है। तो ये किस तरीके का बहुपद है, इसका अलग नाम होता है। इस तरीके के बहुपद को हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अचर पद है। वैसे कोई भी वैल्यू हो तो सभी के सभी हमारे अचर बहुपद के उसमें आते हैं। कोई भी आप हमारा मैथ के टर्म में, गणित में कोई भी अंक हो, कोई भी नंबर हो, सभी हमारा अचर बहुपद होते हैं। क्लियर है? अच्छा ये बताओ अचर बहुपद की घात क्या होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा ना द्विघाती त्रिघाती, वैसे अचर बहुपद का भी तो कुछ घात होगा, क्या होगा अचर बहुपद का घात? यस
बेटा माइक बंद करो जिसका भी ऑन है, चैट में बताओ, माइक ऑन करके नहीं बताना, ठीक है बेटा। वन नहीं होगा, वन क्यों नहीं होगा, यहाँ ध्यान से देखो, वन कहाँ से है बेटा? देखो घात हमारे को कैसे पता चलता है, जब वहां पे एक चर होता है, तो दो को आप दो गुणा एक्स की घात शून्य लिखोगे भाई, दो को आप दो गुणा एक्स की घात शून्य लिख सकते हो? यस मैम। तो बस चर की घात देखो, चर की घात यहाँ पे शून्य है, इसलिए किसी भी अचर बहुपद की जो घात होगी, ठीक है, वो शून्य होगी, ठीक है, जीरो होगी। क्लियर? प्रवीण और योगेश के नाम से बच्चे, बेटा क्या प्रॉब्लम है? 25-15 क्या होता है ये? चलिए अब मैं बात करती हूँ शून्य की। देखो शून्य भी हमारा अचर बहुपद है, लेकिन हम इसे दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं इसे? शून्य बहुपद। अब मुझे बताओ शून्य बहुपद की घात क्या होगी? शून्य बहुपद की घात बताइए सभी बच्चे। शून्य होगी या एक होगी? नहीं, दोनों में ऐसे कुछ भी नहीं होगा। देखो शून्य को फिर से आप क्या लिखोगे? शून्य गुणा एक्स की घात शून्य। शून्य को फिर से क्या लिखोगे? शून्य गुणा एक्स की घात शून्य। अब याद रखना किसी भी चर जो होता है ना, देखो एक्स की घात शून्य का जो गुणांक है वो यहाँ पे जीरो है, एक्स की घात जो शून्य है यहाँ पे उसका गुणांक क्या है? जीरो है ना। तो याद रखना कभी भी गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। अगर गुणांक जीरो हो जाता है तो इस तरीके के बहुपद का जो घात है वो अपरिभाषित हो जाती है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? इसलिए कभी भी गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे गुणांक ही शून्य हो गया, इसलिए इसका घात अपरिभाषित है। याद रखिएगा कि शून्य बहुपद की जो घात है वो अपरिभाषित होती है। मैम इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बेटा? इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हाँ, जो मैं लिखवा रही हूँ ना स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको तो आप जल्दी जल्दी देखो, जो चीज आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो उसे उतार लो, और जो थोड़ा बड़ा है टाइम लगेगा उसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं पोल में देने वाली हूँ। चलिए पोल में करते हैं क्वेश्चन। मैं आपके सामने लिख रही हूं एक बहुपद, x की घात 98 + 2। आपको इस बहुपद की ना घात बतानी है, डिग्री बतानी है क्या होगा। ठीक है, ये है आपके चार ऑप्शन, बताओ क्या होगा। पोल सेक्शन। हाँ बेटा पोल में ही करना है। मैम इसमें क्या बताना है? इसकी घात डिग्री बतानी है क्या हो।
हेलो यस बेटा, करिए पोल में। हम कर दिया। ठीक है बेटा, अभी बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए, फिर पोल सेक्शन बंद करूंगी मैं। गुड, आखिर की 5 सेकेंड और, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें बात बतानी है। मैम पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने कर दिया आंसर? सभी का सही है? नहीं, सबका ठीक नहीं है बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। वेरी गुड। चलो, मैंने आपसे क्या बोला, जो घात होती है ना, वो सबसे बड़ी घात चेक कर दे, जो वो सबसे बड़ी होगी वही उसका आंसर है। तो यहाँ सबसे बड़ी तो 100 है ना बेटा, तो इसलिए 100 इसका आंसर है। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, सभी के सभी इसकी कोई घात थोड़ी ना हो सकती है। मतलब डिग्री का क्या होता है, जो सबसे बड़ी वाली पावर या सबसे बड़ी घात आपको नजर आएगी ना, वही आंसर। तो यहाँ पे 100 है, इसलिए 100 इसका उत्तर है। ठीक है मैम एक क्वेश्चन और दे दो ऐसा ही बोल सकते हैं। हाँ, बोल सेक्शन में देती हूँ इन्फॉर्मेशन सभी को। आपको बताइए, सबको क्लियर है ये? यस मैम। कॉल में नहीं, मैं चैट सेक्शन में ही पूछ रही हूँ। ठीक है, फिर अगला टॉपिक करते हैं। अगर मैं लिख दूँ, इसकी घात क्या होगी, सभी बच्चे बताइए। तो सबसे बड़ी घात देखो वही उसका उत्तर एक्स के बाद क्या है ऊपर? तीन बेटा, 3 है ये। 3 सबसे बड़ा वाला देखो, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है, सभी ने ठीक किया है, वेरी गुड। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा मान निकालना। देखो, एक मैंने बहुपद मान लिया पी एक्स। पी एक्स मतलब एक बहुपद है, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है ये। मैं आपसे बोल रही हूँ कि यदि एक्स की जगह मैं 2 पुट कर दूं, एक्स की जगह 2 लिख दूं, तो इस दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। तो आपने क्या करना है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे 2 लिख दूं, 2 प्लस 1, तो इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब जब मैं एक्स की जगह 2 पुट करती हूँ, तो दिया गया बहुपद का मान 3 हो गया। क्लियर है? जो भी वैल्यू दे रखी होगी आपको पुट कर देनी है, वही उसका उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे उतार लो, फिर हम शून्य क्या होता है वो देखते हैं। मैम एक बार फिर से समझा। देखो, एक्स की जगह आपने 2 पुट करना है। यहाँ बोला है एक्स की जगह 2 लिखोगे तो इस दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। तो एक्स की जगह 2 लिख दिया, 2 प्लस 1, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो इसलिए बहुपद का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा शून्य क्या होता है। शून्य, ठीक है, जिसे हम जीरोस कहते हैं। तो इसके लिए भी एक बहुपद मैंने मान लिया x-1। x-1 एक बहुपद है। मैंने बोला कि चेक करो
कि क्या एक्स बराबर एक पे इसके क्या मान आता है। एक्स की जगह वन लिख दू तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, तो आपने चेक कर लिया एक्स की जगह वन लिख दिया, एक में से एक जाएगा क्या बचेगा शून्य। तो आपने देखा जैसे ही मैंने एक्स की जगह वन लिखा तो दिया गया बहुपद का मान जीरो हो गया, जीरो आ गया ना। हाँ बेटा यहाँ ध्यान दो, हाँ बेटा एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ। देखिए तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने x की जगह 1 पुट करा तो दिए गए बहुपद का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 इस दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। शून्य क्यों कहलाया, क्योंकि यही मान पुट करते ही हमारा दिया गया बहुपद 0 के बराबर आ गया। तो अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वो उसका शून्य है, और 0 के बराबर नहीं आ रहा तो शून्य नहीं है। क्लियर हुआ, वैल्यू बस जीरो आनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन कराती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x पोल सेक्स में दे रही हूँ, नहीं बेटा अभी इसके बाद दूंगी पोल में क्वेश्चन। यस 3x माइनस 3। अब मैंने बोला क्या x बराबर 1 इसका शून्य है, तो फिर से आप वही करोगे x की जगह 1 पुट कर दो, तो 3 गुणा x की जगह 1 माइनस का 3, 3 गुणा 1 3 होगा, 3 माइनस 3 फिर से 0 आ गया, मतलब x बराबर 1 इसका शून्य है। ठीक है बेटा, कैसे करना है सवाल सभी को समझ में आ गया, बस वैल्यू देते दे रखी है पुट करो, अगर 0 आ जाता है तो शून्य है। मैम नहीं आया समझ में, अगर नहीं आया शून्य 0, जैसे सबसे पहला वाला एग्जांपल था वहां 0 नहीं आ रहा था ना, 3 आ रहा था, तो वो उसका शून्य नहीं होगा। ठीक है चले जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन पोल में देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले ले, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। सेक्शन में क्वेश्चन दे दो, हाँ पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। देखिए px बराबर है आपके, px बराबर है क्या टू एक्स स्क्वायर, या px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है आपको चेक करना है कि क्या x बराबर शून्य और x बराबर 2 इसके शून्य है या नहीं, दोनों पे चेक करना है। एक तो पहले आपने 0 पे चेक करना है कि क्या 0 इसका शून्य है, और फिर आपने चेक करना है कि क्या 2 भी इसका शून्य है, दोनों पे चेक करना है। एक बार 0 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, और पोल में करिएगा आंसर इसका। मैम पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर ठीक, सबका ठीक है पोल में। वेरी गुड,
वेरी गुड। जल्दी जल्दी करिए बाकी बच्चे भी। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। गुड, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि है। चलो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, ठीक है? तो x की जगह 0 पुट करो। 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा, तो ये तो 0 है क्योंकि 0 आ गया। अब 2 पुट करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा, तो ये भी इसका शून्यक है। क्लियर हुआ? दोनों के दोनों शून्यक है। yes, दोनों की वैल्यू पुट करके मेरा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे समझो कि हम ना घात देख के बता सकते हैं कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैक्सिमम घात 2 है ना, ये द्विघाती बहुपद है, तो किसी भी द्विघाती बहुपद के, द्विघाती बहुपद के दो ही शून्यक होंगे। वो दो शून्यक क्या है, वो आपने निकाल लिए, 0 और 2। अगर त्रिघाती बहुपद दिया होता तो उसके कितने शून्यक होते? 3 होते। 3 रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 1 ही होगा, ठीक है? आपको घात से पता चल जाता है, जितनी ज्यादा, सबसे ज्यादा घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन और दे दो पोल सेक्स। एक और क्वेश्चन। यस मैम, ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। चलिए एक बहुपद है 2x+1, चेक करो कि x बराबर माइनस का 1, एक्स बराबर माइनस का 1 इसका शून्यक है या नहीं। यस और नो, ठीक है? मैम इसमें क्या बता रहा है? बेटा एक्स की जगह -1 पुट करना है आपने। मैम क्या करना है, एक बार बताना। बेटा यही बताना है कि इसका शून्यक है या नहीं है, ये तो पढ़ा अभी हमने। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट बेटा, आपकी ना सैट जब तक है ना, स्पीच क्लास ही नहीं लगेंगी आपकी, ठीक है? मैम पता है, 9 तारीख 3 दिन की छुट्टी है। हाँ, 3 दिन की बेटा, 9 तारीख को लगेंगी आपकी अगली क्लास। अब यस मैम, ये मानसु सर बता गए स्कूल में। मैम 1 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, 1 हफ्ते की छुट्टी है।
चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। सॉरी 5 4 3 2 1। मैम पोल सेक्शन में सभी का सही है? हाँ ज्यादातर बच्चों का, बाकी चैट सेक्शन में करिए। मैम हमने सही किया था। अच्छी बात है, चलो मैं करवाती हूँ इसे। तो क्या करना है, x की जगह -1 रख दो, जहां जहां x है वहां -1 रख दो। 2 × -1 + 1, 2 को -1 से गुणा करोगे क्या आएगा, -2 + 1। अब फिर से वही एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, हमेशा घटाते हैं, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो इसका आएगा उत्तर -1, तो ये इसका शून्य नहीं है। क्लियर हुआ, ये शून्य नहीं है, नो था इसका आंसर। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं अगर माइनस का 1 इसका शून्य नहीं है तो इसका शून्य होगा क्या, वो भी आप निकाल सकते हो। इसका शून्य कैसे निकालते हैं शून्य, चलिए देखते हैं। यही क्वेश्चन है और मैंने चेक करना है, पता लगाना है कि इसका शून्य क्या है। ठीक है, तो क्या करो, पी एक्स जो है ना उसको शून्य के बराबर लग दो। आप 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 0 जैसे ही 0 आता था वही उसका शून्य होता था ना, तो इसलिए जो भी पी एक्स का मान है उसको 0 के बराबर लिख दो। मतलब 2x + 1 को 0 के बराबर लिख दो। 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 के आगे प्लस का निशान है, तो जब ये उस तरफ जाता है ना दूसरी तरफ तो उल्टा हो जाता है, तो प्लस का था यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। 2x का मतलब होता है 2 × x = 1। x का मान क्या आएगा, 2 इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसका शून्य क्या था, -1/2। मतलब अगर आप x की जगह -1/2 करोगे ना तो ही इसका आंसर 0 आएगा। बेटा सैट के पेपर है इसलिए छुट्टियां आपकी। सभी को समझ में आया कि 0 भी हम शून्य भी हम निकाल सकते हैं, आपको बस जो भी बहुपद है उसको शून्य के बराबर रखना है। इसको उतार लो तभी बच्चे। ठीक है, तो बेटा आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेट एग्जाम्स तक आपकी छुट्टियां हैं, लेकिन 9 तारीख को अगली क्लास लगेगी जिसमें हम फिर जो जहाँ पे छोड़ा था ना टॉपिक रिवीजन से पहले वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है,